हाय गाइज, तो CAPF के जवानों के लिए चलाई गई है CLMS, सेंट्रल लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐप चलाई गई है जिसमें लिक्विड मिलेगा सभी जवानों को। CAPF के जो जवान है, जिसको जितनी ऑथराइज है उस हिसाब से मिलेगा। तो ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ पे पूरे डिटेल में आपको बताऊँगा इस ऐप में कैसे क्या कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा गाइज। पूरा समझ में आएगा मेरे जवान मेरे साथियों को, और कैसे क्या ऐप को यूज करना है, किसका क्या फंक्शन है। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ। तो गाइज अपने सामने ये रहेगा लोगो जो दिखा रहा है CLMS। जब डाउनलोड कर लेंगे तो अपने सामने, जब लॉगिन करेंगे तो अपने सामने इंटरफेस रहेगा। जैसे CRPF का लोगो है, मोबाइल नंबर जैसा दिखा रहा है वो है, फिर नीचे पासवर्ड। तो ये अपना जो आयुष्मान संभव वाला जो लगता है, संभव वाला जो पासवर्ड है वही इसमें लगेगा। अगर रीसेट करना है तो संभव वाला पासवर्ड को रीसेट करके इसमें डाल सकते हैं, अगर याद नहीं रहता तो। गाइज फर्स्ट में डाल देंगे एंटर द यूज़र नेम, नेक्स्ट रहेगा एंटर द पासवर्ड। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ कि जो संभव ऐप का है वही इसमें लगेगा। नेक्स्ट डाल देंगे कैप्चा, कैप्चा डालने की बात कर देंगे क्लिक और सबमिट बटन पे। जैसे ही क्लिक और कर देंगे, लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद आप अपने सामने ये नेक्स्ट पेज पे खुलेगा सेलेक्ट स्टेट। तो आपको इसमें सेलेक्ट स्टेट कर देना है जिस स्टेट से आप लिक्विड लेना चाह रहे हैं। आंध्र प्रदेश से लेना चाह रहे हैं, राजस्थान से लेना चाह रहे हैं, दिल्ली, जहाँ से भी लेना चाह रहे हो वहाँ इसको स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद उसमें, जैसे सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसमें कैंटीन दिखाई देगा, कौन कौन सी कैंटीन इस सिटी में है अवेलेबल, तो वह सिटी दिखा देगा। फिर सेलेक्ट कैंटीन कर लेंगे। सेलेक्ट कैंटीन करने के बाद जिस जो नियरेस्ट पड़ रहा है वही कैंटीन सेलेक्ट करेंगे। तो फिर चले जाएँ, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि होम पेज है, जिसमें आपको ये लिक्विड का ब्रांड दे देगा, रेट दे देगा। ये मतलब जो उस कैंटीन में जो अवेलेबल होगी वही लिक्विड आपको शो करेगा। तो इसमें दे रखा है जैसे वेजोस वेसो ब्लेन 45 450 रुपीज़, इसका बाहर में रेट रहेगा लेकिन कैंटीन में 170 रुपीज़ है। ऐसे ही जो जो उस पर रहेगी उसमें कैंटीन में अवेलेबल वो आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद चले जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे वो सेम प्रोसेस जैसे ऑनलाइन पे हम परचेज करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन और इन पे जैसे परचेज करते हैं वैसे ही आगे का नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। जैसे इसको करेंगे तो नेक्स्ट पे करते ही ये आ जाएगा व्यू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। व्यू प्रोडक्ट देख लेंगे कैसी है, इसमें क्लिक ऐड टू विश, आपके अनुसार आपको क्या क्या ऐड करना है। फिर क्लिक हेयर ऐड कार्ड, ऐड टू कार्ड कर देंगे। ऐड टू कार्ड करने के बाद नेक्स्ट व्यू देखना चाहें तो नेक्स्ट व्यू डिस्क्रिप्शन देख लेना और गो टू कार्ड कर लेंगे। नेक्स्ट ऐसे करते जाएंगे जैसे ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं। प्लस आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्लस कर देंगे, क्वांटिटी घटानी है तो माइनस कर देंगे, डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। डिलीट का ऑप्शन आएगा बगल में। फिर क्लिक हेयर टू बाय, फिर हमें बाय करना है, ख़रीदना है तो बाय कर देंगे जैसे अमेज़ॉन भी आजकल सब करते हैं। फिर बाय करने के बाद आ जाएगा ऑर्डर प्लेस, आपको जो चाहिए वो अमाउंट दिखा देगा, MRP दिखाएगा, फिर डिस्काउंट MRP दिखाएगा और टोटल अमाउंट दिखा देगा। फिर हम कर देंगे ऑर्डर प्लेस। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा कि आपको लिक्विड कितनी है, बियर कितनी लिए हैं और टाइप कौन सी नॉर्मल रहेगा, और प्लेस ऑर्डर कंफर्म। ये दिखाने के बाद कि बियर इतना है, लिक्विड इतना है, इस डेट का है, ये दिखाने के बाद आपको कंफर्म प्लेस कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो आपके सामने सक्सेसफुली का ऑर्डर ये आ जाएगा, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, और आपको टोटल अमाउंट दिखा देगा, पेंडिंग पेंडिंग दिखाता रहेगा,
जब तक आप इसको ले नहीं लोगे कैंटीन से। कैंटीन से लेने जैसे ही आपको ये सक्सेसफुल ऑर्डर हो जाएगा, फिर आपके पास जनरेट टोकन आ जाएगा। जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो जनरेट टोकन ये यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर करते ही आपके पास टोकन आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं टोकन को, जब तक आप टोकन नहीं कटेगा वैसे कंटिन्यू मिलेगा नहीं। जैसे टोकन कटा, जैसे कितना ऑर्डर किया हमने, दो का किया तो दो, और यहाँ पर कैंसिल का भी नीचे दिखाता है, कैंसिल कर दे सकते हैं हमने जो जो किया। जैसे वुड पैकर रेफ्रेशिंग लेजर, वुड पैकर रेफ्रेशिंग ये यहाँ पर शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट चले जाएंगे जनरेट टोकन, आपको टोकन चाहिए लेना है तो इसको यस करेंगे और आपके सामने टोकन जनरेट हो जाएगा यस करते ही। जैसे ये टोकन जनरेट हो जाएगा, दोबारा से आपको यही टोकन लेना है तो रीजनरेट करेंगे, और कैंसिल करना चाहेंगे कैंसिल कर सकते हैं। आप दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं टोकन, दोबारा से वही चीज़ लेना चाहें। फिर आप इस टोकन को आप कैंटीन में लेके जाना पड़ेगा, या अपने दोस्त को देना चाहें किसी को भी, तो इस टोकन को, टोकन नंबर रहेगा इसका, स्क्रीनशॉट लेके दोस्त को भी सेंड कर देंगे। वो उस कैंटीन से जाके, जैसे हम दूर हैं और बंदा दिल्ली में है या राजस्थान में है, उसको टोकन सेंड कर देंगे तो हो जाएगा कैंटीन में, उसी कैंटीन में जो पास में है, सीआरपीएफ की कैंटीन या सेफ जो भी बीएसएफ आर्मी जो भी कैंटीन है तो उसमें जाएगा, वहाँ जाके वो टोकन दिखाएगा तो उसको वो लिक्विड मिल जाएगा। दोस्तों को भी ये सबसे अच्छा किया, दोस्तों को भी मिल सकता है ये रेफरेंस, क्योंकि टोकन रहेगा तभी तो देगा ना। फिर जैसे हमने ऑर्डर आईडी यहाँ से वो करता है, हमने क्या ऑर्डर किया यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर्स में, ऑर्डर में जाके फिर आपको कितना कोटा बचा हुआ है, कितना आपका कोटा बचा हुआ है ये जनरेट टोकन के बाद दिखाएगा। जैसे यूजर नेम दिखाएगा, फोर्स नंबर दिखाएगा, क्या रैंक है वो दिखाएगा, आपकी अथॉरिटी क्या क्या बची हुई है, जैसे लिक्विड बची है, दो ऑथराइज्ड है, कंज्यूम जीरो किया है, बैलेंस में दो बचा हुआ, बियर दो ऑथोराइज्ड है, जीरो कंज्यूम किया है, दो दिखाएगा। ये रैंक वाइज अलग अलग दे रखा है, जैसे कांस्टेबल टू हवलदार के लिए लिक्विड की 6 बोतल हैं, लेकिन इसमें रम एडवांस भी जमा करना पड़ता है, वो भी अलग अलग है। जैसे कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल टू हवलदार के लिए ऑथराइज 6 हैं लिक्विड, और उसके लिए अमाउंट रम एडवांस 5,000 जमा करना पड़ेगा। बियर 6 हैं और रम एडवांस वही रहेगा सेम। उसके बाद ASI 2 इंस्पेक्टर के लिए लिक्विड बोतल रहेंगी 8 रहेंगी, और एडवांस भी 8,000 जमा करना है, बियर की भी 8 रहेंगी और 8,000 जमा होगा, मतलब टोटल 8,000 होगा। बोतल रहेंगी 16, और हवलदार कांस्टेबल टू हवलदार के लिए 12 बोतल रहेंगी टोटल। उसके बाद प्रोफाइल में आपको ये दिखाएगा कि आपको कितना ऑथराइज है। नेक्स्ट ले जाएंगे क्लब हिस्ट्री में आपको ये दिखाएगा कि आपके पास कितना अभी ऑर्डर है, देखो आपने क्या क्या ऑर्डर किया है, कितना क्वांटिटी में लिया है, ये सब आपको क्लब में ऑर्डर में दिखाएगा। नेक्स्ट चले जाएंगे ड्यू पेमेंट, आपका ड्यू पेमेंट कितना है, आपका पेमेंट वो दिखाएगा कि आप कितना और ले सकते हैं ड्यू पेमेंट। फिर नेक्स्ट चले जाएंगे क्लब पेमेंट में दोनों साथ में दिखाएगा, इधर पेमेंट कितना आपका क्लब होगा, मतलब दोनों पेमेंट को साथ में दिखा देगा। नेक्स्ट चले जाएगा हिस्ट्री कोटा हिस्ट्री में आपको ये दिखाई, जैसे आपको मार्च में, फरवरी, पिछले साल में आपने कितना लिया, कितना कंज्यूम किया, किस महीने में कितना लिया, ये आपको टोटल कोटा हिस्ट्री में दिखाएगा कि आपने कौन से महीने में कितना लिक्विड लिया था, वो टोटल इसमें दिखाएगा। और बैलेंस ये अच्छा किया है, अगर एक साल में जाके इकट्ठा लेना चाहते हो तो इकट्ठा भी अगर ले सकते हैं, इसमें आपको बैलेंस दिखा देगा। ये सबसे अच्छा किया है ऑनलाइन वाला सिस्टम। उसके बाद चले जाएंगे FAQ, कोई आपकी इंक्वायरी हो तो यहाँ पे FAQ में जाके पूछ सकते हैं। इसमें आपको ये भी दिखा रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गाइस।
सक्सेसफुली पहले इसने नोटिफिकेशन में आपको दिखाएगा कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया, जैसे अमेजोन पे फ्लिपकार्ट वगैरह पे दिखाता है वैसे ही इसमें दिखाएगा कि नोट आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। ये ऐड टू कार्ड और डिलीट कॉलम मैंने पहले बता दिए हैं। ये ऑर्डर आईडी आ जाएगा आपका स्पेशल, अगर आपको स्पेशल और चाहिए, स्पेशल ओकेजन पे चाहिए तो आप स्पेशल ओकेजन पे भी ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको मैरिज हुआ, बर्थडे हुआ या अदर ओकेजन इसमें दिखाता है तो वो आपको चूज करना है, मैरिज है बर्थडे है तो उसका आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कार्ड वगैरह होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। और बोतल आपको फिर शो होने लग जाएगी, कैंटीन वगैरह दिखाएगा, जो भी इसकी चाहिए वही सेम प्रोसेस रहेगा, फिर ऑर्डर होगा और जो स्टेट होगा वो सेम हिस्ट्री, फिर आप इसमें प्रोफाइल में जाके लॉग आउट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ लॉग आउट कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको सिक्स जैसे रैंक वाइज रम एडवांस भी जमा करना कंपलसरी है। तो गाइज यही था इसका, अब मैं आपको लाइव लॉगिन करके दिखाता हूँ मेरा जो आईडी है। तो हम चले जाएंगे ऐप पे, लेकिन मुझे आयुष्मान की आईडी याद है, आयुष्मान की आईडी याद है तो मैं इसको कर दूँगा लॉगिन, मेरा मोबाइल नंबर डाल दूँगा, यहाँ डाल दूँगा मैं पास, ये हो गया लॉगिन। देखो गाइज ये यहाँ पे कर दूँगा मैं सेलेक्ट, जैसे मुझे यहाँ स्टेट सेलेक्ट करूँगा, सर्च हो रहा, थोड़ा ऐप स्लो चल रहा है, जैसे करूँगा राजस्थान। तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ ये कैसे लॉगिन करना है। तो बाय गाइज, मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाय गाइज।